सबसे पहले बहुत 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 धन्यवाद, 300 सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ये आप लोगों का प्यार ही है कि मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ और मैं रोज़ बनाऊँगा, चाहे सब्सक्राइबर मेरे 1 हो या 300 हो या 3000 हो। आप मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूवर की तरह नहीं है, मेरे फ्रेंड की तरह है। जय हिंद। मेरे 300 दोस्तों के साथ शुरू किया हुआ ये सफर आज 3 लाख तक पहुँच चुका है, और ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैंने आप सबको 1 साल तक इंटरटेन किया। मेरी वजह से आपको कुछ सीखने को मिला हो या कुछ जानने को मिला हो या फिर आपके चेहरे पे एक भी मुस्कान आई हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ जिसका आपके YouTube, Facebook, WhatsApp, आपके मोबाइल से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इसका सीधा सा रिलेशन आपके जिंदगी से है। ज्यादातर लोग आगे बढ़ने या कुछ अलग करने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका फ्यूचर उनके पास्ट, उनके बीते हुए कल से बेहतर नहीं हो सकता। अगर आपकी जिंदगी में कोई फ्यूचर गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई मकसद नहीं है, तो आप ये जिंदगी जी नहीं रहे हो, बस बिता रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपका आने वाला कल आपके बीते हुए कल से बेहतर नहीं हो सकता तो आप सुबह बिस्तर से उठना भी नहीं चाहोगे। लेकिन अगर आप जानते हैं और आपको जानना भी चाहिए कि आपका आने वाला कल आपके बीते हुए कल से बेहतर हो सकता है तो आप हर रोज सुबह अपने बिस्तर से पूरे जुनून के साथ उठोगे, इस तैयारी के साथ कि आप आज के दिन कल से कुछ बेहतर करके दिखाओगे, इस तैयारी के साथ कि आप अपने मकसद के और नजदीक जाओगे, इस तैयारी के साथ कि आज के दिन को आप भरपूर जियोगे। आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य आपके अपने हाथों में है, वो आपको खुद बनाना है। आपका फ्यूचर आपका बीता हुआ कल डिसाइड नहीं करेगा और उसको डिसाइड मत करने दीजिए। बीते हुए कल में आपके साथ क्या हुआ था इसका कोई मतलब नहीं है। आज आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो ये डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में आप कहाँ रहोगे और अपने मकसद को हासिल कैसे करोगे, और वो इंसान कोई और नहीं, आप हैं। इसीलिए अपना गोल अभी डिसाइड करिए और हर रोज ये खुद से बोलिए कि मेरा आने वाला कल मेरे बीते हुए कल से बहुत ही बेहतर होगा। आप ये खुद से बोलिए कि मेरे आने वाले फ्यूचर का मालिक मैं हूँ, मेरी तकदीर मैं खुद लिखूंगा, कोई और नहीं। मेरा फ्यूचर मेरे हाथों में है, किसी और के हाथों में नहीं। मेरे बीते हुए कल से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा बेस्ट टाइम तो अभी आने वाला है। आपको अपने मकसद को हासिल करने में एक चीज आपको हमेशा परेशान करेगी, बहुत परेशान करेगी, और वो है डर। जिंदगी के हर एक मोड़ पे ये डर आपको सताएगा और आप जितना डरेंगे ये डर आपको उतना डराएगा। यही डर आपसे बोलेगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे और यही डर आपको कमजोर बनाएगा। लेकिन वहीं पे आपको अपना हुनर दिखाना है और उसी डर को अपनी ताकत बनाना है। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये डर आपसे भी डर जाएगा। आपके आस पड़ोस के लोग आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, जब भी आप कुछ अलग करना चाहेंगे तो आपको टोकेंगे, लेकिन आपको उन्हें अनदेखा करना है और चुपचाप वहां से हट जाना है। आपको और मेहनत करना होगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो लोग जो आपके बारे में बोलते थे वो आपके बारे में बातें करेंगे, आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। उनकी बोलती बंद करने के लिए आप नहीं बोलेंगे, आपका काम बोलेगा। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है और मेहनत करना है। अगर आप करने पे आ जाए तो आपके लिए 24 घंटे भी कम है, और अगर खाली बैठना चाहे तो 1 मिनट भी आपको 1 साल जैसा लगेगा। और आपके पास खाली बैठने का समय ही नहीं है। इस दुनिया में देखने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए बहुत ही सारी चीजें हैं। अक्सर हमारी जिंदगी में हमें पीछे खींचने वाला कोई और नहीं होता, हमारे अपने दोस्त होते हैं, हमारी अपनी फैमिली होती है। आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों के बीच में किसी और ने काम करके नहीं दिखाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आप वो पहले इंसान बन सकते हैं जो करके दिखाएंगे। सलाह सबकी लीजिए, एडवाइस सबकी लीजिए और उनकी रिस्पेक्ट भी करिए, लेकिन सुनिए सिर्फ एक की, खुद की। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जॉब करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है तो लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो तमाम फालतू चीजें होती हैं जो हर रोज हमें पीछे खींचती हैं, जिनको हम अपने काम से ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप अपने गोल को लेकर सच में सीरियस हैं तो आपको हर उन फालतू चीजों को छोड़ना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जिनमें आपका समय बर्बाद हो रहा है। वॉरेन बफेट साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखोगे उतना आप कमाओगे। इसीलिए हर रोज सीखने से पीछे मत हटिए, कभी भी नहीं। हजारों टॉपिक्स हैं, हजारों ऐसी किताबें हैं जो आपके स्किल्स को और बढ़ा सकती हैं और बेहतर बना सकती हैं। आपकी लर्निंग्स, आपका हुनर ही आपको बदल देगा उस इंसान में जिसके बारे में सोच के या फिर जिसको देखकर आप तालियां बजाते हैं। क्यों आप ऐसा नहीं सोचते कि लोग आपके बारे में सोचें, आपकी बातें करें, आपकी तारीफ करें, आपके लिए तालियां बजाएं? क्या ऐसा संभव नहीं है? बिल्कुल है।
लेकिन यहाँ पे जो चीज हमें आगे बढ़ने से रोक देती है वो है हार का डर। हम कोशिश ही नहीं करते ये सोच के कि हम हार जाएंगे। अगर आपने कोशिश ही नहीं की है तो आप तो खुद हारे हुए हैं, आप तो बाय डिफॉल्ट हारे हुए हैं। अगर आप हार के डर से बैठे हुए हैं तो आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना ही नहीं चाहते। और हारने का डर तो कुछ भी नहीं है उस पछतावे के आगे जो आपको कुछ सालों बाद होगा, ये सोच के कि यार मैंने कोशिश ही नहीं की थी, एक बार करके देखता तो सही। कोशिश करने के बाद बहुत बुरा होगा तो क्या होगा, यही होगा कि आपसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप सीखेंगे तो सही, सीखेंगे कि मुझे इससे बेहतर कैसे करना है, कहां मैंने गलती की, मैं यहां पे बेहतर कर सकता था। और फिर आप जीतेंगे, सीखेंगे तो जीतेंगे, कोशिश करेंगे तो जीतेंगे। जब सीखा ही नहीं, जब कोशिश किया ही नहीं, तो जीत और हार किस बात की। अभी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं। वही करते हैं जो करते आए हैं तो फिर उसी की उम्मीद रखिएगा जो आपके साथ होता आया है। और अगर आप सपना देखते हैं एक बेहतरीन भविष्य का तो उसके लिए काम भी आपको कुछ बेहतरीन करना होगा, कुछ अलग करना होगा, मेहनत करना होगा, और उन सभी लोगों को, उन सभी बातों को अवॉइड करना होगा, इग्नोर करना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि आगे बढ़ने से आपको कोई रोक सकता है तो आप खुद हैं। आपकी अपनी तकदीर आपके हाथ में है, किसी और के हाथों में नहीं। तो अब या तो आप इस समय को बर्बाद करिए फालतू चीजों में, फालतू काम में और बाद में पछताइए, या तो अभी उठिए, कुछ बड़ा सोचिए और अपने भविष्य को बेहतरीन बनाने में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।